विशाल भारत संस्थान द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एवं बच्चों के प्रबंधन में सुभाष भवन इंद्रेश नगर लम्ही में चल रहे चिल्ड्रंस बैंक के पास 0 से लेकर 15 वर्ष तक के बाल खाता धारक हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। कूड़ा बीनने वाले, पावरलूम चलाकर अन्य कमाई करने वाले ये बच्चे 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक चिल्ड्रंस बैंक में अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए जमा करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चों ने अपने परिवार का भोजन चलाने के लिए अपना जमा पैसा निकाला। कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में आया तो सबने अपने स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक दूसरे की मदद की। जब कोरोना लॉकडाउन की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने की, तब उसकी बात सबसे ज़्यादा बच्चों ने मानी, और न सिर्फ वे घरों में रहें बल्कि अपने मम्मी पापा को भी बाहर जाने से मना किया। अब वही बच्चे कोरोना से जंग में देश का साथ देने के लिए आगे आए हैं। कोरोना संकट के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने देश के बच्चों से अपील की कि वो भी अपने इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करें। चिल्ड्रंस बैंक ने उनकी अपील पर मेरी बचत पीएम मोदी के नाम अभियान शुरू कर अपनी बड़ी भूमिका तय की। इंद्रेश कुमार ने मेरी बचत पीएम मोदी के नाम अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। चिल्ड्रंस बैंक के 81 खाता धारकों ने अपने हैसियत के अनुसार राशि निकाली और चिल्ड्रंस बैंक की प्रबंधक उजाला भारतवंशी को पीएम केयर फंड में भेजने के लिए अधिकृत किया। चिल्ड्रंस बैंक के 81 बाल खाता धारकों ने 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की राशि पीएम मोदी के नाम की। 40 बच्चों ने 20 रुपये, 20 बच्चों ने 50 रुपये, 12 बच्चों ने 100 रुपये, 1 बच्चे ने 211 रुपये, 4 बच्चों ने 200 रुपये, 4 बच्चों ने 250 रुपये पीएम केयर फंड में भेजने के लिए निकाला और पासबुक पर पीएम केयर फंड में सहायता हेतु विवरण अंकित करवाया। चिल्ड्रंस बैंक की महाप्रबंधक खुशी भारतवंशी एवं प्रबंधक उजाला भारतवंशी इंडियन बैंक के निदेशक शाखा पहुंची। वहां इंडियन बैंक के मंडली मुख्य प्रबंधक ज्ञान प्रकाश एवं मुख्य शाखा प्रबंधक प्रभात मेहता को बच्चों द्वारा दी गई राशि सिक्के में सौंपी। बच्चों द्वारा दी गई राशि जमा करने आए और हम लोग यहां पर पीएम केयर फंड्स में कुल 81 बच्चों ने 5,011 रुपये जमा करने यहां आए हैं। और जो बच्चों का अभियान है, बच्चों की बचत पीएम के नाम, इस कार्य से हम लोग यहाँ इंडियन बैंक यह संदेश देते हैं कि जिस तरह कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोग कोरोना योद्धाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं, उसी तरह दूसरी तरफ बच्चे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी जमा राशि। लगभग चिल्ड्रंस बैंक 12 साल से काम कर रहा है और जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो पीड़ितों की सेवा करने की बारी आई तो बच्चों ने भी आवाज़ उठाई कि हमें भी उनके लिए मदद करने के लिए आगे आना होगा। इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक ज्ञान प्रकाश ने चिल्ड्रंस बैंक द्वारा दी गई 5,011 रुपये की राशि को पीएम केयर फंड में भेजकर रसीद सौंपी। चिल्ड्रंस बैंक की प्रबंधक उजाला भारतवंशी ने कहा कि सभी बच्चों से अपील है कि इस संकट के काल में अपने देश के पीएम मोदी का साथ दें। पीएम ने एक पिता की तरह देश के बच्चों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। इस संकट की घड़ी में हम बच्चे उनके साथ खड़े हैं और दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी पीएम को सौंप देंगे ताकि हमारा देश मजबूत हो सके और कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। जो भी बच्चे चिल्ड्रंस बैंक के माध्यम से देश की मदद करना चाहते हैं, वे अपनी जमा पूंजी चिल्ड्रंस बैंक में जमा कर सकते हैं अथवा किसी भी बैंक के माध्यम से पीएम केयर फंड को भेज सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि काशी के गरीब बच्चों ने अपनी बड़ी भूमिका की शुरुआत कर देश के बच्चों के लिए एक नज़ीर पेश किया है। बच्चे अब कह सकते हैं, कोरोना यू आर वायरस, वी आर वॉरियर्स, ओ कोरोना गो कोरोना। बच्चों की यह भूमिका इतिहास में इस बात के लिए दर्ज होगी कि जब देश पर संकट आया तो इस संकट से जूझने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। गरीब बच्चों का यह योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 2008 से हमें लगता है ये चल रहा है और उन्हें जो है करीब 81 बच्चों ने 10 रुपये से लेकर 250 रुपये तक अपना योगदान देकर 5,000 रुपया पी एम केयर फंड में डाला है। तो इनकी इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि इनको भी जो है इतनी छोटी उम्र में भी ये लोग जो है देश के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं और आगे भी करेंगे। तो है इसमें जो है आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपना योगदान करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कल्पना हम लोग अभी सत्ता जो हमारे पूर्व माने हमारे पहले वाली पीढ़ी है वो लोग भी कभी इस तरह की महामारी नहीं देखे थे इस देश में। हम लोग तो देखे ही नहीं, मतलब जो 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हम लोग के आसपास है उन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि पूरा जो है पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। तो ऐसे में जो है सरकार को हर तरह से मदद करने की ज़रूरत है और वो हमको आ रहा है कि सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
और इन लोग इन बच्चों का तो बहुत ही सराहनीय कार्य माना ये माना जाना चाहिए कि मतलब इस उम्र में जब खेलने और कूदने का मतलब वो होता है, इन लोगों ने जो है अपने पैसों को इकट्ठा करके पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के लिए दिया है।